जय हिंद भाई सभी को। काफी सारे बच्चों के कमेंट देखे थे मैंने पिछले वीडियो पर, सर एसएससी जीडी की इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, हमको कितना टारगेट करना चाहिए। आप सबको पता है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम फरवरी से शुरू हो रहे हैं, यानी 18 फेब से शुरू हो रहे हैं आपके एग्जाम, और काफी बच्चे कट ऑफ को लेकर अभी चिंतित है। अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए, और उसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी चाहिए कि कट ऑफ इतना नंबर जाएगी तो मुझे कम से कम इतना नंबर तो टारगेट करना ही करना है। अगर आप मेरे से ये पूछोगे कि सर सबसे सेफ स्कोर हमको बता दीजिए और वो ना तो ज्यादा हो ना कम हो, उस पर हमारी नौकरी कोई नहीं रोक पाए, तो मैं आपको बता दूं इस बार कट ऑफ आपकी जो पिछली सभा की एसएससी जीडी की कट ऑफ है उससे ऊपर नहीं जाएगी। यानी एसएससी जीडी 2023 की आप कट ऑफ देख लेना। क्यों ऊपर नहीं जाएगी? क्योंकि पिछले बार 3 साल की छूट थी। आप बोलोगे सर पोस्ट ऑफ वैकेंसी भी तो ज्यादा थी। पोस्ट ऑफ वैकेंसी डिफाइन नहीं करती 3 साल की छूट के सामने। क्यों? क्योंकि 3 साल की छूट के कारण बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे, जिनके कारण कट ऑफ इतनी ऊपर चली गई। आपने दिल्ली पुलिस की अभी कट ऑफ देखी, आपको पता है पोस्टें खाली रह गई, 600 पोस्टें खाली रह गई। कैसे? दिल्ली पुलिस में पोस्टें कितनी थी? 7,547 कुछ ऐसी पोस्ट थी, ठीक है। फिजिकल के लिए 86,000 बच्चों को बुलाया गया। फिजिकल में पास कितने हुए? मात्र 8,600 बच्चे, यानी 10% पास हुए। और फाइनल सिलेक्शन कितना का हुआ? 7,000, यानी 6,000 कुछ का, 600 पोस्ट ही खाली रह गई। भाई यकीन हो रहा है? 600 पोस्ट खाली रह गई, बच्चों से फिजिकली पास नहीं हुआ। लेकिन एसएससी जीडी में भी ध्यान रखना, जिन बच्चों का जैसे पेपर हो तुरंत अकेडमी की दौड़ लगा लेना भाई, आ जाना अगले ही दिन। दौड़ समय नहीं मिलेगा तो कोई नहीं करा पाएगा। हमारे पास में दिल्ली पुलिस में जितने भी बच्चे पहले आए थे 1 महीना पहले, उन सबकी रनिंग हो गई थी। तो आप भी ध्यान रखना इस बात का, समझ गए? बाद में फिर कुछ नहीं होगा, अगर रनिंग करनी है तो जैसे पेपर हो तुरंत दौड़ लगा लेना भाई। तो ध्यान रखना लाडलो, कट ऑफ कितनी जाएगी तो मैं आपको बताऊं, पिछले साल की कट ऑफ निकाल लेना अपने अपने स्टेट की, ये मान के चलना कि उससे ऊपर आप बिल्कुल सेफ है। यानी पिछली बार जितनी कट ऑफ गई अगर उतना नंबर आप इस बार ले आते हैं तो आप सेफ है। इसीलिए आपके पास में सबसे पहली बात तो कि आपको पता होना ही चाहिए कि आपके राज्य की पिछली बार आपकी कैटेगरी की कट ऑफ कितनी थी। ध्यान रखना एसएससी की स्टेट वाइज मेरिट निकलती है, इसलिए अपने राज्य और अपने जिले की देखें। जैसे आप जनरल डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं या नक्सल में या बॉर्डर में, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं उस स्टेट की उस हिसाब से ही अपनी कैटेगरी वाइज मेरिट देखें और वो टारगेट अपनी टेबल पर लिख लें कि मुझे 100 नंबर पिछली बार गई थी, मुझे इस बार 100 नंबर लाना है। और इसको 100 नंबर को समझ के अपना टारगेट बना के और फिर अपनी तैयारी करनी है इससे आगे की। तो अगर आप मेरे से इस समय पूछोगे सर कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, तो मैं एग्जिट आंकड़ों में तो सारे स्टेटों को इस बार नहीं बता पाऊंगा इस समय, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज में विश्वास के साथ बोल सकता हूं, एसएससी जीडी को 2011 से मैं लीड कर रहा हूं, मतलब 2011 से पूरी अभी 10 साल से ज्यादा हो गए मुझे एसएससी जीडी पे नजर रखे हुए, यानी 2011 से अब तक के सारे पेपर देखे हैं। मैं आपको एक चीज दावे के साथ बोलता हूं, एसएससी जीडी के पेपर का लेवल में कोई बदलाव नहीं होगा। पेपर जैसे पिछले में है वैसे ही अब होंगे। अभी तक इसके पेपरों में कोई बदलाव नहीं हुए, कोई नई क्वेश्चन नहीं आए। अगर आप ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस करोगे, अपनी ओल्ड पेपर वाली जो 40 सेट की बुक है अगर आपने नहीं मंगाई है, आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से मंगा लेना, एसएससी जीडी 2024 ओल्ड पेपर विराट सर बुक सर्च करोगे तो मिल जाएगी। उसके 40 सेट पेपर है ना वो आप निकाल लो, आपको 100% क्लियर हो जाएगा पेपर कैसा आएगा। और जो आपके स्टेट की पिछली बार जो कट ऑफ गई है उसको सामने रखो, उतने नंबर ले आओ, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ये 100% गारंटी है। समझ गए बात को? तो बस उतना कर लो आप, बाकी सब वारे न्यारे हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।